हेलो एवरीवन मिशन बैच के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है मिशन बैच एस एस सी का नोटिफिकेशन आ चुका है और उसमें आपकी तैयारी को बूस्ट करने के लिए जो जो इनपुट्स की रिक्वायरमेंट होती है वो सारे इनपुट्स रेजोमैक्स के इस यूट्यूब चैनल पर आपको फ्रीली प्रोवाइड कराए जाएंगे उसमें से एक सेक्शन होता है जीके जी के भी कई सारे पार्ट्स होते हैं इकोनॉमिक्स जोग्राफी हिस्ट्री पॉलिटी इन्वायरमेंट उसमें से हम शुरुआत कर रहे हैं इस प्लेटफॉर्म पर अभी इकोनॉमिक्स के सेक्शन से इकोनॉमिक्स में एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है एक नहीं यूं बोले यूं बोलना भी ठीक होगा कि सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है नंबर ऑफ ट्यूशन के बेसिस पे नंबर ऑफ वेटेज के बेसिस पे वो है बैंकिंग 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 चैप्टर की बात करें तो बैंकिंग में कई सारे एस्पेक्ट्स हैं बैंक का कौन सा बैंक है सेंट्रल बैंक है क्या है वो सारा चीज हम यहां पर देखेंगे बैंकिंग जब नाम बैंक की आती है तो सबसे पहले तो मैं एक चीज आपसे पूछूं कि बैंक कितने तरीके के होते हैं टाइप्स ऑफ बैंक आप तरह तरह के बैंक्स के नाम सुनते होंगे बैंक्स कई तरीके के हो सकते हैं सेंट्रल बैंक इसके अलावा एक होते हैं कमर्शियल बैंक्स इसके अलावा एक होते हैं कोऑपरेटिव बैंक्स इसके अलावा स्पेशल बैंक्स और भी कई तरीके के रीजनल रूरल बैंक्स, बैंक पेमेंट बैंक स्मॉल बैंक बैंक अब आप यहां पर एक क्वेश्चन पूछ सकते हो कि हमने तो कहीं और तरीके के बैंक का नाम भी सुना है जैसे गवर्नमेंट पब्लिक बैंक प्राइवेट बैंक वो तो आपने नहीं लिखा इसका फर्दर सब डिवीजन होता है यहां पर बात करें एक एक को पढ़ते सेंट्रल बैंक सेंट्रल बैंक जो कि हर कंट्री में एक होता है वो बैंक जो पूरे कंट्री के फाइनेंशियल सिस्टम को सुपरवाइज करता है जैसे फॉर एग्जाम्पल क्योंकि हर कंट्री में केवल एक सेंट्रल बैंक है तो इंडिया में भी एक होगा तो वो हो गया आपका आरबीआई कमर्शियल बैंक कमर्शियल बैंक को आप फर्दर सब डिवाइड कर सकते हो पहला पहला बेसिस होगा कि उसकी ऑनरशिप के बेसिस पे यदि ऑनरशिप गवर्नमेंट के पास है तो वो पब्लिक सेक्टर बैंक होगा यदि ऑनरशिप या यूं बोले मैक्सिमम स्टेक मैक्सिमम शेयर्स किसी प्राइवेट एंटिटी के पास है तो वो एक प्राइवेट बैंक होगा इसी तरीके से वो बैंक का हेडक्वार्टर कहां पर एग्जिस्ट करता है किसी बैंक का हेडक्वार्टर इंडिया में है तो वो डोमेस्टिक बैंक होगा किसी बैंक का हेडक्वार्टर यदि फॉरेन में है तो वो एक फॉरेन बैंक होगा फॉर एग्जाम्पल एस बी आई एस बी आई पब्लिक सेक्टर बैंक भी है और डोमेस्टिक बैंक भी है इसी तरीके से आईसीआईसीआई बैंक एक प्राइवेट बैंक भी है और एक डोमेस्टिक बैंक भी है कोऑपरेटिव बैंक्स जब कोऑपरेटिव सोसाइटीज विलेज लेवल पे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे स्टेट लेवल पे या मल्टी स्टेट लेवल पे एक से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट वाली कोऑपरेटिव सोसाइटीज मिलकर जब बैंकिंग फंक्शन में एंटर करते हैं तो उसको कोऑपरेटिव बैंक्स बोला जाता है स्पेशल बैंक किसी स्पेशल पर्पस के लिए बनाए गए हों फॉर एग्जांपल एक्सिम बैंक का नाम आपने सुना होगा एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक एक्सपोर्ट इंपोर्ट को बढ़ाने के लिए उस चीज में ग्रोथ को इंश्योर करने के लिए एक्सिम बैंक बनाया गया इसी तरीके से आईडीबीआई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट को इंश्योर करने के लिए इंडस्ट्रियल ग्रोथ को बढ़ाने के लिए एक बैंक बनाया गया आईडीबीआई ये किसी स्पेशल पर्पज के लिए बनाए गए हैं ये इनका मोटिव स्पेसिफाई है तो इनको क्या बोलेंगे स्पेशलाइज बैंक स्पेशल बैंक रीजनल रूरल बैंक वैसे आप रीजनल रूरल बैंक को आप स्पेशल बैंक भी बोल सकते हो जैसे किसी रूरल uh, एरिया के लिए स्पेसिफाई है लेकिन आरआरबी की इंपॉर्टेंस ज्यादा होती है इसलिए हम इसको अलग से पढ़ेंगे पेमेंट बैंक जैसे एयरटेल पेमेंट बैंक आपने पे पेटीएम पेमेंट बैंक का नाम सुना होगा स्मॉल बैंक जैसे आपने एक बैंक है ए यू स्मॉल फाइनेंस बैंक तो स्मॉल बैंक्स क्या होते हैं ये सारे हम यहीं से इस तरीके से इसी ऑर्डर में हम लोग पढ़ेंगे ये है बैंकिंग कई बार बैंकिंग केवल ये नहीं है बैंकिंग में केवल इतना सा पढ़ा दिया जाता है बोला जाता है कि बैंकिंग हो गया लेकिन पूरा है तो यहाँ पर सबसे पहले कौन सा है सेंट्रल बैंक सेंट्रल बैंक आर बी बोलना ज़्यादा सही होगा आर क्या है इंडिया का सेंट्रल बैंक ठीक है हर कंट्री का एक सेंट्रल बैंक होता है और इंडिया में जो सेंट्रल बैंक है वो आरबीआई है यहां पर ये चीज़ को करना जरूरी है कि हम आरबीआई में क्या क्या पढ़ने वाले हैं सबसे पहले हम पढ़ेंगे हिस्ट्री अब जो पार्ट पार्ट आपको पता है आप उस पार्ट को स्किप भी कर सकते हो क्योंकि टाइम कम है तो इस वजह से आपके पास टाइम कम है तो आप उसको स्किप भी कर सकते हो या स्पीड बढ़ाकर देख सकते हो सबसे पहले हम हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे इसके बाद आरबीआई काम क्या क्या कर पाए आरबीआई की आरबीआई के फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे आरबीआई में होता कौन कौन है आरबीआई के के स्ट्रक्चर बारे में हम लोग पढ़ेंगे इसके अलावा आरबीआई कौन-कौन से ऑपरेशन चलाता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे जैसे आपका यहाँ पर हो गया रेपो रेट क्या है रेपो रिवर्स रेपो रेट एस एल आर सी आर आर ये सब हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे शुरुआत करते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1934 में 1934, ये यह है ब्रिटिश इरा ब्रिटिश गवर्नमेंट का टाइम 1934 में एक एक्ट पास हुआ आरबीआई एक्ट नो no डाउट ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये एक्ट पास करा हुआ आरबीआई एक 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 पास हुआ और उसके बाद फर्स्ट ऑफ अप्रैल 1935 को एक बैंक बना वो था आरबीआई जब आरबीआई 1935 में बना था तो इस पर दो बातें रखनी है इसका हेडक्वार्टर था वो था कलकत्ता में और ये एक प्राइवेट जैसे आज के टाइम में एच डी एफ सी है आईसीआईसी बैंक है प्राइवेट बैंक है, है उसी तरीके का एक, उसी तरीके से 1935 में भी जो आरबीआई था वो एक प्राइवेट ओवन बैंक था हेडक्वार्टर कलकत्ता में था लेकिन आज तो मुंबई में है नो डाउट चेंज हो गया होगा तो यहीं पर अपडेट होता है तो जब एक से, से सवाल दो तरीके से यहाँ पर बन सकते हैं आपसे पूछ सकता है कि जब आर बना था तो उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर था जब आर बना था तो वो एक प्राइवेट बैंक था कि शुरू से ही सेंट्रल बैंक था कि नेशनल बैंक था इस तरीके से सवाल आपसे पूछा जा सकता है तो हेडक्वार्टर कलकत्ता में है था लेकिन 1937 से इसका परमानेंट हेडक्वार्टर है वो है मुंबई

कहीं लोग दिल्ली में कंफ्यूज हो जा सकते हैं कि नेशनल कैपिटल दिल्ली है तो ध्यान रखना ठीक है और ये 1937 में ये एक प्राइवेट बैंक था लेकिन 1949 में इस बैंक को नेशनलाइज कर दिया गया नेशनलाइज इसको कर दिया गया और इसको क्या बना दिया गया सेंट्रल बैंक हमारे कंट्री का सेंट्रल बैंक जो कि हर कंट्री में एक होता है तो कब कौन सा साल था जब आरबीआई को नेशनलाइज करा गया तो वो था 1949 मेरे हिसाब से इतना चीज इनफ है तो हमने पहला सेक्शन कवर कर लिया यहां पर आओ क्या पढ़ना था हमें हिस्ट्री हिस्ट्री हमने पढ़ ली बात करते हैं आरबीआई की फंक्शंस फंक्शंस का मतलब होता है आरबीआई क्या क्या काम करता है फंक्शंस ऑफ आरबीआई आरबीआई के फंक्शनिंग क्या क्या होती पहली बात आप के पर्स में जो पैसा पड़ा हुआ है उस पर साइन आपके पिताजी का नहीं है आपके दादाजी का नहीं है प्रधानमंत्री का नहीं है राष्ट्रपति का नहीं है उस पर साइन किसके हो रहे होंगे गवर्नर के हो रहे होंगे गवर्नर के साइन क्यों हो रहे हैं दरअसल जितनी भी करंसीज हैं उन करंसीज को जो इशू करने का काम है जितनी भी करेंसीज है उनको जो इशू करने का काम है वो कौन करेगा आपके RBI करता है यानी पहला काम तो आपको समझ में आ गया होगा करेंसी नोट्स। इसीलिए वहां पर 2510 जो भी नोट आपके पास है, उस पर कभी देखना उस पर लिखा होता है मैं धारक को इतने रुपए अदा करने का वचन देता हूं साइन गवर्नर के होते हैं जो भी प्रेजेंट जिस भी साल वो करेंसी प्रिंट हुई है और उस जो भी गवर्नर रहा होगा उसके साइन होते हैं तो जो करेंसी नोट होते हैं उन्हें इश्यू करता है नोटबंदी के टाइम में आपने देखा होगा कई बार नोट सुना होगा आरबीआई में प्रिंट हो रहे हैं आरबीआई प्रिंट करा रहा है दो हजार के नोट पांच सौ के नए नोट वो सब दूसरा काम रेगुलेट करता है या यूं बोले सुपरवाइजर है आपके हमारा जो फाइनेंशियल सिस्टम है उसका इसके अलावा बैंकर ऑफ बैंक इसको बोलते हैं बैंकों का बैंक इसके अलावा ये बैंकर ऑफ गवर्नमेंट सरकार का भी बैंक यहां पर यही चीजें नोटिस करने वाली होती है ये सब चीजें देखो क्यों मिशन बेस्ट क्यों हम तो बुक से भी पढ़ सकते हैं आप ऐसा क्या पढ़ा रहे हो कि जो बुक में नहीं है आरबीआई की हिस्ट्री भी लिखी हुई है आरबीआई की फंक्शनिंग भी लिखी हुई है पर तो ये चीज कहां पर आपको कौन सी चीज रुक के पढ़नी है किस चीज को नोटिस करना है इसी के लिए कि इस तरीके के प्लेटफॉर्म जरूरी होते हैं वरना नॉलेज जरूरी नहीं है कि लेक्चर्स के थ्रू ही आप किताब के थ्रू भी किताब के थ्रू भी नॉलेज ली जा सकती है लेकिन उस नॉलेज को एनालाइज कहां पर करा डील नहीं करता है इसीलिए मैंने यहां पर बैंकर ऑफ बैंक्स लिखा है इसीलिए मैंने बैंकर ऑफ गवर्नमेंट लिखा है यह चीज यहां पर नोटिस करने वाली है इसके अलावा यह हमारा जो फोरेक्स रिजर्व है उसे भी मेंटेन करता है या उसे कि उसमें कौन सा कितना पैसा है क्या है उसको मेंटेन उसको रेगुलेट करता है तो फोरेक्स रिजर्व रेगुलेट करना बैंकर ऑफ गवर्नमेंट बैंकर ऑफ बैंक्स किसका बैंक नहीं है पब्लिक का बैंक नहीं है नोटिस करने वाली बात है यानी आप आरबीआई में जाके खाता नहीं खुला सकते और नो डाउट प्रैक्टिकली आप देखते भी होंगे कि आप आर uh, में नहीं जा सकते खाता खुलवाने आप uh, क्योंकि वो सीधे पब्लिक से डील नहीं करता रेगुलेट हमारे फाइनेंशियल सिस्टम को करेंसी नोट इशू करता है इसके अलावा फर्दर भी कई सारे फंक्शन हैं जैसे फाइनेंशियल इंक्लूजन को इंश्योर करना फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब होता है ज़्यादा से ज्यादा जो वीकर सेक्शन है उन्हें ऑर्गेनाइज फाइनेंशियल सिस्टम बैंक से एन से स्मॉल बैंक से पेमेंट बैंक से इनसे जोड़ा जाए तो फाइनेंशियल इंक्लूजन डेवलपमेंट रोल वो सब तो ये आर के काम है आपसे पूछे आर क्या क्या करता है तो आर के काम ये है बात करते हैं 1935 से चला आ रहा है और आज आर ये काम करता है तो नो डाउट आर में कुछ लोग होंगे तो आर में कौन कौन होता है तो यहाँ पर देख फॉर एग्जाम्पल हमारे लिए तो इसके बाद क्या पढ़ना था फंक्शन हमने पढ़ लिए है यहाँ पर क्या पढ़ना था हमें स्ट्रक्चर उसके बाद ऑपरेशन रेपो रेट रिवर्स रेपो रेट बात करें यहां पर आरबीआई की आरबीआई में मैक्सिमम ट्वेंटी वन लोग हो सकते हैं काम तो होते हैं मगर डिसीजन मेकिंग में बीस से इक्कीस लोगों का रोल होता है फॉर एग्जाम्पल आरबीआई के मेंबर्स को आरबीआई के स्ट्रक्चर को बोलते हैं जो डिसीजन लेने के लिए जो बॉडी होती है उससे को बोलते हैं बोर्ड मेंबर्स या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोल सकते हैं एक बीओडी होता है बीओडी मतलब बी फोर बोर्ड ऑफ ऑफ एंड डी फोर डायरेक्टर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को दो तरीके से आप देख सकते हो इस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में एक होते हैं ऑफिशियल मेंबर्स एक होते हैं नॉन ऑफिशियल मेंबर्स ऑफिशियल मेंबर्स नो डाउट सबको ये क्लिक तो कर गया होगा कि ऑफिशियल मेंबर्स में एक तो होगा आरबीआई का गवर्नर जो कि इसका इस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का एक्स ऑफिसियो चेयरमैन भी होता है

मैक्सिमम चार हो सकते हैं यहां पर ये नोटिस करने वाली होती है किताब में लिखा हो सकता है कि मैक्सिम फोर में चार डिप्टी गवर्नर होंगे लेकिन नोटिस करना होता है है मैक्सिमम लिख लिख रहा है बेटा, चार नहीं लिख रहा बेटा नहीं कि चार डिप्टी गवर्नर होंगे ऐसा कहीं नहीं लिख रहा दो तो हो सकते हैं तीन हो सकते हैं एक हो सकता है या चार हो सकते हैं लेकिन पांच नहीं होंगे तो मैक्सिमम चार डिप्टी गवर्नर्स हो सकते हैं इसके अलावा बात करें नॉन ऑफिशियल मेंबर्स की तो इन्हें तीन पार्ट में डिवाइड करा जाता है दस डायरेक्टर होते हैं

ठीक है इसके अलावा चार आरबीआई के चार रीजनल बोर्ड हैं जैसे एक कंट्री होता है उस कंट्री में कई सारे स्टेट्स होते हैं उसी तरीके से आरबीआई है पूरे इंडिया में पेन इंडिया लेवल पे उसको फिर फर्दर चार रीजनल बोर्ड्स में डिवाइड करा हुआ है तो चार डायरेक्टर हो गए रीजनल बोर्ड से रीजनल बोर्ड से जो और बाकी दो मेंबर्स गवर्नमेंट ऑफिशियस होते हैं या गवर्नमेंट नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं नो डाउट इन्हें भी गवर्नमेंट नॉमिनेटेड होते हैं यूं बोले कि दो मेंबर जो होते हैं गवर्नमेंट रिप्रेजेंट करते हैं गवर्नमेंट की तरफ से आते हैं गवर्नमेंट का स्टैंड लेके आते हैं अब जोड़ो मैंने कहा था इक्कीस मैक्सिमम इक्कीस ऑफिशियल मेंबर्स कितने हो गए मैक्सिमम फोर प्लस वन मैक्सिमम फाइव नॉन ऑफिशियल मेंबर्स कितने हो गए टेन प्लस फोर प्लस टू सिक्सटीन तो सिक्सटीन प्लस फाइव मैक्सिमम ट्वेंटी वन मेंबर्स हो सकते हैं ट्वेंटी टू नहीं होंगे ट्वेंटी वन हो सकते हैं ट्वेंटी हो सकते हैं क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम लिमिट लगी हुई है मैथमेटिक्स थोड़ा बहुत आप लोग जानते होंगे यदि तीर है तो बीस हो जाएंगे दो हैं तो उन्नीस हो जाएंगे लेकिन इक्कीस से ज्यादा नहीं होंगे तो ये आर का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है अब यहाँ पर ये थोड़े बहुत एक बार सवाल आपको पता होगा कि कई बार ऐसे सवाल बनते हैं आर का प्रेजेंट का गवर्नर कौन है आर का पहला गवर्नर कौन था तो यहाँ पर इन सारे 21 मेंबर में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है हमारे लिए आरबीआई का गवर्नर आरबीआई का गवर्नर आरबीआई के गवर्नर की बात करें तो आरबीआई में गवर्नर में आपको अब तक टोटल 25 गवर्नर हुए हैं यह मूर्खता मत करना कि 25 के 25 का नाम याद कर लो आपको केवल तीन नाम याद करने हैं आपको केवल तीन नाम याद करने हैं आरबीआई का फर्स्ट गवर्नर कौन था फर्स्ट गवर्नर का मतलब ये हो गया जब एक अप्रैल 1935 को जब आरबीआई फॉर्म हुआ होगा तब उस आरबीआई का चेयरमैन कौन था उस आरबीआई का गवर्नर कौन था तो वो थे ऑसबोर्न स्मिथ ये तो अंग्रेज है क्या कोई इंडिया का नहीं था क्या देखो अंग्रेजों ने उस टाइम पे बनाया था प्राइवेट बैंक था तो प्राइवेट बैंक था उनकी मनमानी चलती थी और ऑसबोर्न स्मिथ नो डाउट अच्छी गवर्नर रहे थे शुरू से ही इन्होंने आरबीआई ग्रोथ को इंश्योर कर रहा तो ओसबोन स्पीथ फर्स्ट गवर्नर थे कई बार इस तरीके से पूछ सकता है फर्स्ट इंडियन गवर्नर कौन है तो वो थे देशमुख। अब कई बार ऐसे पूछ सकता है कि आ, अब यहां पर देखो नोटिस करने वाली बात होती है पेपर्स में ये सॉरी किताबों में या जो भी चीज रिसोर्स आप फॉलो करते होंगे रिटर्न रिसोर्स किसी कोचिंग के नोट्स में ये पेंशन होता है

औसबोन आपके सी डी देशमुख जो थे वो फर्स्ट इंडियन गवर्नर बन गए थे तो फर्स्ट गवर्नर ओस्बोन स्मिथ थे फर्स्ट इंडियन गवर्नर सी डी देशमुख थे तो जिस तरीके से एग्जाम्स का लेवल बढ़ रहा है तो ये मान के चलो आपसे ये भी पूछ सकता है कि सी डी देशमुख जो थे जब फर्स्ट इंडियन गवर्नर एज अपॉइंट हुए आर बी आई में तो वो आर बी आई के नेशनलाइज होने के बाद हुए हमारे देश के आजाद होने के बाद हुए तो वो दोनों ही सिचुएशन गलत है तो 1943 याद रखिएगा 1943 न तो हमारा देश आजाद हुआ था और न ही आरबीआई नेशनलाइज हुआ था इसके अलावा कई बार ये पूछ लेता है कि करंट प्रेजेंट गवर्नमेंट कौन गवर्नर कौन है गवर्नर कौन है तो प्रेजेंट गवर्नर कौन है शक्ति कांत दास इसके पहले उर्जित पटेल थे उसके पहले रघुराम राजन थे उन्हें याद नहीं रखना तीन गवर्नर्स के बारे में याद रखना है ठीक है आरबीआई इस आरबीआई में आरबीआई का चेयरमैन कौन होता है एक गवर्नर एक बहुत इंटरेस्टिंग मैं चीज आपसे यहां पर पूछता हूं इज इट सीधे ही बात करते हैं एनी लेडी गवर्नर गवर्नर जो पद है उसमें या क्या कोई लेडी गवर्नर बनी है क्या नो no डाउट एक तरफ हम बात करते हैं सोशल इक्वेलिटी जेंडर इक्वेलिटी की पर यहां पर इस चीज को समझना होगा कि एक बहुत बड़ी ट्रेजी है यहां पर इस चीज को समझना होगा क्या कोई लेडी गवर्नर रही है नो no डाउट मेरे एक्सप्रेशन से लग रहा होगा कि रिजल्ट क्या रहा है लेकिन लेडी गवर्नर नहीं मिला ये वही देश है जहां पर यारे पूजन ते रमनते तत्र देवता की बातें कर दी जाती है ये वही देश है जहां पर लाखों महिलाएं अपना घर का खर्चा चला रही है अपने घर को सुपरवाइज कर रही है लेकिन अब तक और 25 गवर्नमेंट गवर्नर्स में से अब तक आर को अपने अट्ठासी सालों में कोई लेडी गवर्नर नहीं मिला ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ पर बड़े बड़े अच्छे इकोनो फीमेल इकोनॉमिस्ट की कमी हो गीता गोपीनाथ इसके अलावा देव की जैन बीना मे बीना अग्रवाल इसके अलावा राष्ट्रीय अग्रवाल कई लंबे लिस्ट है रोशनी पांडे इसके अलावा और भी हैं लिस्ट बनाओगे तो सौ से ज्यादा इकोनॉमिस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे लेकिन अब तक आरबीआई में एक भी गवर्नर वोमेन गवर्नर नहीं हुआ है तो यहाँ पर यह चीज याद रखेगा कई बार पूछ लेता है कि आरबीआई में अब तक कौन आरबीआई की फर्स्ट लेडी गवर्नर थी है ही नहीं तो, तो क्या आंसर लगाओगे ठीक है तो आरबीआई में अब तक कोई भी लेडी गवर्नर नहीं रही है यहां पर एक और चीज यहां पर नोटिस करने वाली है वो है केजे उदेशी का नाम अजी गवर्नर नहीं रहा तो डिप्टी गवर्नर तो रहा होगा हाँ नो no डाउट 88 सालों में आरबीआई को एक भी लेडी गवर्नर नहीं मिली 25 गवर्नर अब तक अपॉइंट हुए उसमें से एक भी गवर्नर जो था वो लेडी गवर्नर नहीं थी लेकिन केजे उदेशी डिप्टी गवर्नर बनी 2003 में केजे उदे, केजे उदेशी को डिप्टी गवर्नर अपॉइंट करा गया अब देख लो 1935 में आरबीआई बना लगभग अड़सठ साल आपको एक डिप्टी गवर्नर बनाने में लग गए तो केजे उदेशी के बारे में याद रखना, गवर्नर ऑफ आरबीआई इन टू ठीक है तो यहां पर जैसे फर्स्ट गवर्नर हमने पढ़ा था फर्स्ट इंडियन गवर्नर भी हमने पढ़ा तो फर्स्ट लेडी गवर्नर भी हम पढ़ने गए लेकिन है ही नहीं तो कोई बात नहीं है आप फर्स्ट डिप्टी गवर्नर के बारे में पढ़ लो के जे उदेशी का नाम आपको याद रखना है तो चार नाम हो गए आपके पास सी डी देशमुख ऑस्बोन स्मिथ शक्तिकांत दास और के जे उदेशी तीन तो चेंज नहीं होंगे लेकिन करंट गवर्नर चेंज हो जाए तो अलग बात है यहां पर हमने स्ट्रक्चर पढ़ लिया अब बात करते हैं आरबीआई के ऑपरेशंस के बारे में आरबीआई कौन कौन से ऑपरेशन चलाता है नो no डाउट सबसे इंपॉर्टेंट है आरबीआई यदि बैंकर ऑफ बैंक्स है तो नो no डाउट जिस तरीके से कोई भी पर्सन जिस तरीके से कोई भी पर्सन अपने बैंक के पास जाता है उसी तरीके से बैंक जो है बैंकिंग सर्विसेज के लिए जो बैंकिंग सर्विसेज आप अपने बैंक से लेते हो बैंकिंग सर्विसेज के लिए कोई भी बैंक किसके पास जाएगा? आरबीआई के पास जैसे बैंकर ऑफ पब्लिक कौन हो गया एस बी आई इसी तरह से बैंकर ऑफ बैंक कौन हो गया बैंक कौन हो गया आरबीआई तो अब आप यहां पर देखो आप हम इन दोनों को कंपेयर करके पढ़ेंगे आप बैंक के पास क्यों जाते हो आप बैंक के पास जाते हो

लेकिन क्या डिपोजिट का पैसा इतना होता है क्या डिपोजिट का पैसा हर समय इतना अवेलेबल होता है तो नो डाउट बैंकों को भी आरबीआई से जरूरत पड़ती होगी बैंक जैसे आपके पास कहीं बार एक्सेस अमाउंट होता है तो आप उसे डिपॉजिट कराने जाते होंगे तो नो डाउट बैंकों के पास भी कहीं बार एक्सेस लिक्विडिटी होती होगी एक्सेस अमाउंट होता होगा तो वो किसके पास जमा कराने जाते होंगे आरबीआई के पास जिस तरीके से आपको जरूरत पड़ती है तो आप बैंकों से लोन लेते हो पैसे की जरूरत पड़ती है तो जब बैंकों को भी जरूरत पड़ती होगी तो नो डाउट आरबीआई भी बैंकों आरबीआई भी बैंकों को लोन देता होगा इसीलिए तो बैंकर और बैंक बोलते हैं तो यहाँ पर समझने वाली बात है कि जिस तरीके से आपके और बैंक के बीच में जो रिलेशन होते हैं लॉन्स डिपोजिट के लेवल पे उसी तरीके से बैंक और आरबीआई के भी आ, रिलेशन होते हैं यानी आर आरबीआई के कस्टमर्स कौन हो गए बैंक्स जो डिफरेंट डिफरेंट जो कमर्शियल बैंक हैं वो फॉर एग्जाम्पल ये आप हो और ये कोई बैंक है बैंक ने आपको लोन दिया तो आप बैंक को क्या करोगे इंटरेस्ट पेमेंट करोगे इसी तरीके से बैंक में आपने आप यहां पर इंटरेस्ट पे करोगे बैंक में आपने कुछ डिपॉजिट करा स्पेशली सेविंग अकाउंट में तो बैंक आपको क्या करेगा इंटरेस्ट पेमेंट करेगा आपने डिपॉजिट करा रिटर्न में बैंक ने इंटरेस्ट पे करा इधर आपको लोन प्रोवाइड करा बैंक ने आपने इंटरेस्ट पे करा अब आ जाओ इधर ये हो गया बैंक और यही सिमिलर ऑपरेशंस लेंगे और बैंकों का बैंक कौन आरबीआई बैंक ने बैंक को लोन प्रोवाइड करेगा कौन आरबीआई क्योंकि इनका बैंक तो यही है जैसे आपको जरूरत पड़ती है तो आप बैंक के पास बागे भागे जाते हो तो उसी तरीके से बैंकों को जरूरत पड़ेगी तो वो भी अपने बैंक के पास जाएंगे और बैंकों का बैंक कौन आरबीआई यानी आरबीआई लोन प्रोवाइड करता होगा नो डाउट तो ये भी इंटरेस्ट का पेमेंट करते होंगे ये भी कुछ ना कुछ कोलेट्रल रखते होंगे ये भी कुछ ना कुछ गिरवी रखते होंगे तो देखते हैं तो जो इंटरेस्ट का पेमेंट करते हैं उस वो इंटरेस्ट कितना पेमेंट करेंगे वो इंटरेस्ट कितना पेमेंट करेंगे इसी को बोलते हैं बेटा रेपो रेट तो रेपो रेट क्या हो गई सिंपल सा फंडा यहां से समझ लो जैसे हम न किसी ना किसी इंटरेस्ट पे बैंकों से लोन लेते हैं उसी तरीके से जब बैंक आरबीआई से जो लोन लेता है शॉर्ट टर्म यहाँ पर लोन का मतलब है शॉर्ट टर्म लोन शॉर्ट टर्म आपके मैक्सिमम आपका एक मंथ तक चल सकता है 28 दिन 14 दिन 7 दिन 3 दिन 1 दिन कुछ भी भी तो जिस तरीके से वो भी से पर्सन बैंक जाके लोन लेता है और वो लोन डिसाइड होता है किसी इंटरेस्ट रेट पे उसी तरीके से बैंक जब अपने बैंक के पास और बैंक का बैंक कौन आरबीआई बे। यानी बैंक जब अपने बैंक के पास आरबीआई के पास शॉर्ट टर्म के लिए लोन लेने जाते हैं तो वो जो इंटरेस्ट

अरे मैं भी बैंक भी सोचेगा या मेरे पास भी लोन बांटने के बाद भी पैसे बचे हुए हैं लोन बांट दिए उसके पास भी पैसे बचे हुए हैं मैं भी ऐसा करता हूँ आरबीआई के पास रख देता हूं तो कुछ ना कुछ तो इंटरेस्ट पेमेंट मिलेगा यानी जब बैंक आरबीआई के पास अपना डिपोजिट रखते हैं एक्सेस लिक्विडिटी रखते हैं तो उस पर आर जो बैंकों को ब्याज देता है उसी को बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट तो नो डाउट आप के और बैंक के बीच के फंक्शन को सिमिलरली अप्लाई कर लीजिए बैंक और आर के बीच के फंक्शन से जो लोन रेट होता है बैंकों के लिए जिस इंटरेस्ट रेट पे वो लोन लेते हैं उसको रेपो रेट बोला जाता है जबकि यदि कोई अपनी एक्सेस लिक्विडिटी को वो आर के पास रखते हैं तो जो उसके फर्दर जो आर उनको इंटरेस्ट प्रोवाइड कराता है उसको रिवर्स रेपो रेट बोलते हैं नो डाउट जैसे आप इंटरेस्ट जब लोन लेने जाते हो तो वो इंटरेस्ट काफी ज्यादा होता है जब आप डिपॉजिट कराने जाते हो तो इंटरेस्ट अभी इंटरेस्ट कितना मिलेगा आपको दो परसेंट दे देगा तीन परसेंट दे देगा चार परसेंट दे देगा दे दे पर आप लोन लेने जाओ आपको सात परसेंट ब्याज देना पड़ेगा आठ परसेंट ब्याज देना पड़ेगा तो उसी तरीके से यहाँ पर भी है तो हमेशा एक बात याद एक बात गांठ बांध के याद रख लेना अब यही चीज होती है ऐसे प्लेटफॉर्म्स की जरूरत की तो रेपो रेट समझा रखा है रिवर्स रेपो रेट सब समझाएंगे हमको स्पेशल अलग अलग नहीं पढ़ा रहे हम अलग ये पढ़ा रहे हैं कि इट इज ऑलवेज ट्रू दैट रेपो रेट इज ऑलवेज ग्रेटर देन रिवर्स आप कितनी ही किताबें पढ़ लो किता, आप जो भी किताब आप फॉलो करते होंगे उसमें रेपोरेट समझा रखा होगा नो डाउट रिवर्स रेपो रेट भी समझा रखा होगा लेकिन ये बहुत ही मुश्किल होगा कि ये वाला फंक्शन वहां पर लिखा हो कि रेपो रेट हमेशा रिवर्स रेपोरेट से ज्यादा होता है ज्यादा क्यों होता है इसको हमने यहां पर समझा आप अपने रिलेशन को देख ली आप जब इंटर बैंक से लोन लेने जाते हो तो नो no डाउट वो रेट ज्यादा होती होगी जब आप डिपॉजिट कराने जाते होंगे और जो इंटरेस्ट आपको मिलता होगा तो यहाँ पर ये दो बातें रेपो रेट क्या है रिवर्स रेपो रेट क्या है और उसी तरीके से इन दोनों के बीच का रिलेशन क्या है प्रेजेंट टाइम पे जो रेपो रेट है वो है सिक्स यानी यदि कोई बैंक आर से लोन लेगा तो वो साढ़े छह परसेंट के बेसिस पे लेगा और आरबीआई ये जो रेपो रेट है पहली बात तो साढ़े छह परसेंट है और एक है शॉर्ट टर्म लोन ठीक है यह है आपका शॉर्ट टर्म लोन तो रेपो रेट के बारे में क्या क्या याद रखना है रेपो रेट वो रेट है जिस पे बैंक्स को लोन प्रोवाइड कराता है आरबीआई रेपो रेट वो रेट है जिस पर बैंकों को लोन मिलता है आरबीआई से प्रेजेंट टाइम में अप्रैल की बात करें तो अप्रैल 2023 में मुझे नहीं पता आप कब देख रहे हो लेकिन आज की बात करें अप्रैल 2023 में ये रेट है साढ़े इसके अलावा रेपो रेट एक्स जो है वो जो लोन प्रोवाइड करता है वो शॉर्ट टर्म लोन होता है शॉर्ट टर्म लोन जो कि सात दिन के लिए हो सकता है चौदह दिन के लिए हो सकता है तीन दिन के लिए हो सकता है शॉर्ट टर्म लोन होता है इसके अलावा रेपो रेट हमेशा ज्यादा होता है रिवर्स रेपो ये पूरी बातें आपको यहाँ पर याद रखनी है रेपो रेट के बारे में अब यहाँ पर एक चीज आप बोलोगे साढ़े छह परसेंट ठीक है चेंज होगा हम देख लेंगे रेपो रेट रिवर्स रेपो रेट से ज्यादा होता है ये भी आपने प्रैक्टिकली समझा दिया लेकिन ये शॉर्ट टर्म लोन का मतलब तो समझा दिया तो एक बार यहां पर सवाल यह बनता है क्या बैंकों को जरूरत सात दिन के लिए ही होती है क्या बैंकों को जरूरत चौदह दिन के लिए ही होगी क्या कभी ऐसा नहीं होगा कि बैंकों को एक महीने से ज्यादा के लिए पैसों की जरूरत होगी हो सकता है और उस कंडीशन में भी लोन प्रोवाइड कराए जाते हैं जब लॉन्ग टर्म के लिए लोन प्रोवाइड कराया जाता है आर द्वारा बैंकों को तो उसको फिर रेपो रेट नहीं बोलते बैंक रेट कंसेप्ट है बैंक रेट बैंक रेट वो रेट होती है जिस पर आरबीआई लोन प्रोवाइड्स कराता है किसको अपने कस्टमर्स को अपने बैंक्स को लेकिन ये लॉन्ग लॉन्स जो होंगे वो लॉन्ग टर्म होंगे छः महीने के लिए एक साल के लिए दस साल के लिए जब शॉर्ट टर्म लॉन्स होंगे तो उस पर इंटरेस्ट रेट को बोलते हैं रेपो रेट वहीं पर आर जो लोन्स प्रोवाइड कराता है बैंकों को यदि वो लॉ लॉन्ग टर्म लोन्स हैं तो उसे उस इंटरेस्ट रेट को बोलेंगे बैंक रेट तो तीन हमने समझे रेपो रेट रिवर्स रेपो रेट और बैंक रेट कुछ और कंसेप्टी आर आर और एस एल आर कई बार आप अपने देखो इकोनॉमी की खूबसूरती यही है इकोनॉमी की शुरुआत आपके खुद के घरों से इवन घर से भी आपसे खुद से होती है हर पर्सन का अपना बजट होता है किसी का ज्यादा किसी का कम कोई का बजट अच्छा होता है कोई का बुरा होता है हर पर्सन को अपनी अपने लाइफ में कभी कभी बजट अपने खुद अपनी इकोनॉमिक्स मेंटेन करनी होती है नो no डाउट आप भी या आपकी फैमिली में कोई भी अपनी इमरजेंसी फंड बनाते ही होंगे ये पैसा जब कोई इमरजेंसी आ जाएगी तब रखेंगे ऐसे रखेंगे और आपके घर में जो बड़े हैं जो आपको रेगुलेट करते हैं जैसे आपके फादर हैं या आपके घर में कोई भी आप हैं तो वो बोलते होंगे कि इसमें से इतना पैसा इधर डाल दो इसको इधर रिजर्व कर दो ऐसे तो एक तरीके से इमरजेंसी के लिए फंडिंग सब लेके चलते हैं नो डाउट बैंक के पास आज खूब पैसा है यदि बैंक ने खूब लोन बांटे कल को वो लोन वापस नहीं आए तो कल को वो लोन एनपीए बन गए तो कल को डिपॉजिट जितनी आ जा रही है कल उतनी डिपॉजिट नहीं आई तो तो क्या बैंकों के ताले लगा देंगे कभी आपने आ, लोग तो बोल देते हैं आज पैसा नहीं है कल आना लेकिन कभी बैंकों में गए हो तो ऐसा देखता हुआ मिला है कि अभी दो दिन पैसा नहीं है तीन दिन बाद आना ऐसा कभी क्यों नहीं देखने को मिलता स्पेशली जो अच्छे बैंक होते हैं वहां पर कभी आप जाओ और कभी आपको इस तरीके के सुनने को क्यों नहीं मिलता कि आज कैश नहीं है कल आना कल कैश नहीं है परसों आना तीन दिन बाद आना हमेशा कैसे लिक्विडिटी मेंटेन रह पाती है जब कभी लोन्स ज़्यादा बढ़ जाते हैं कभी लोन्स की रिकवरी नहीं हो पाती कभी डिपॉजिट कम आ रहा है ऐसे में फिर भी कैसे लिक्विडिटी मेंटेन कर पाते हैं कोई भी बैंक किस ऐसे कैसे लिक्विडिटी मेंटेन कर पाते हैं जब भी जाओ दस से चार कभी भी जाओ बैंक में हमेशा पैसा पड़ा रहता है ऐसी लिक्विडिटी मेंटेन हो पाती है आर के कुछ प्रोविजन की वजह से आर ने कुछ स्पेशल प्रोविजन कर रखे हैं बैंकों के लिए चूंकि आर के कस्टमर्स हैं बैंक तो इसलिए बैंकों को रेगुलेट करना फाइनेंशियल सिस्टम को रेगुलेट करने का काम होता है बैंक आपके आर का तो आर चाहता है कि कोई भी बैंक फेल ना हो कोई भी बैंक में कैश का फ्लो जिस तरीके से अभी रिसेंट में सिलिकॉन वैली में जो हुआ वहां पर नेगेटिव कैश ग्रोथ देखने को मिली कैश अवेलेबल ही नहीं है वैसी सिचुएशन हमारे यहाँ पर कोई भी दिन बैंकों में नहीं बने इसके लिए सीआरआर और एस का प्रोविजन करा गया सी और एस के बीच में डिफरेंस क्या है दोनों के दोनों सिमिलरिटी ये है कि दोनों के दोनों इमरजेंसी ये दोनों के दोनों फंड मेंटेन कौन करेगा कस्टमर्स कस्टमर कौन है यहां पर आरबीआई का बैंक तो दोनों के दोनों इमरजेंसी फंड ऑफ बैंक सीआरआर के थ्रू कुछ पैसा अब सीआरआर की फुल फॉर्म है कैश रिजर्व रेशो नाम में क्लियर है तो कुछ कैश पैसा आप यहां पर देखो आगे सीआरआर कैश रिजर्व रेशो बैंकों को कुछ कैश पैसा आपका आरबीआई के पास रखना पड़ता है और आज के टाइम में यह है 4.5 परसेंट ऑफ एनडीटीएल जितना लाइबिलिटीज हैं एनडीटीएल का फुल फॉर्म हो गया नेट डिमांड टाइम लाइबिलिटी तो जो एनडीटीएल का साढ़े चार परसेंट कैश पेशा आरबीआई के पास रखना पड़ता है खुद के पास नहीं रखना आरबीआई के पास रखना है जबकि ऐसेला स्टेचुट्री लिक्विडिटी रेस्यो इसमें बैंक्स को अपने एन का 18 परसेंट ये वेरी करता रहता है आज के टाइम में बात करें 2023 में ये साढ़े चार और 18 परसेंट अट्ठारह परसेंट पैसा एनडीटीएल का खुद के पास रखना पड़ता है बैंकों को खुद के पास डिपॉजिट रखना पड़ता है अब ये कैश के फॉर्म में भी हो सकता है गोल्ड के फॉर्म में भी हो सकता है और गवर्नमेंट सिक्योरिटी के फॉर्म में भी हो सकता है कई बार बनते हैं पहली बात कि सी और एस में क्या डिफरेंस है पहला सीआरआर केवल कैश से डील करता है ओनली कैश जबकि यह कैश गोल्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज किसी भी फॉर्म में हो सकता है सीआरआर की बात करें तो सी बैंक्स को आर के पास डिपॉजिट करना पड़ता है जबकि एस बैंक को खुद मैनेज करना सी आर आर चार से पाँच परसेंट के बीच में होता है प्रेजेंटली फोर पॉइंट फाइव परसेंट है और एस एल आर एटीन परसेंट के आसपास है किसका एटीन फोर पॉइंट फाइव परसेंट किसका एन डी टी एल का नेट डिमांड टाइम लाइबिलिटी और ये भी अट्ठारह एटीन परसेंट ऑफ एन डी टी एल तो ये सी आर आर और एस एल आर के बीच का बेसिक डिफरेंस था इसके अलावा सी आर आर और एस एल आर को हमने समझा तो रेपो रेट रिवर्स रेपो रेट बैंक रेट एस एल आर और सी आर आर कई बार आपको पैसों की जरूरत पड़ती होगी अब फर्दर एक कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं वो है कोल मनी मार्केट आपको कई बार पैसे की जरूरत पड़ती होगी तो नो no डाउट जैसे फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल से यहाँ पर चीज को समझना जरूरी है आप में से कई लोग स्टूडेंट्स होंगे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे और जो बच्चा पढ़ाई कर रहा है जो बच्चा पढ़ने की स्टेज में है उसके लिए बैंक उसके पेरेंट्स होते हैं भाई जो पैसा आपको प्रोवाइड करा रहा है वो आपके लिए बैंक है और आपके लिए बैंक कौन हो गया आपका आपके पेरेंट्स जो आपको पैसा प्रोवाइड करा रहा है लेकिन कई बार ऐसी सिचुएशन बनती होगी कि आपका बैंक यानी आपके पेरेंट्स से आप पैसा नहीं ले पा रहे हैं या उन वो पैसा देने की सिचुएशन में उस फाइनेंशियल सिचुएशन में नहीं है कि जितना एक्स्ट्रा पैसा आपको चाह रहा है फर्दर कोई एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट है या आपकी ज़रूरतें पूरी नहीं हो पा रही है तो फर्दर वो उस जो नई जरूरतें हैं उस गैप को पूरा करने में फुलफिल नहीं है तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करोगे आप अपने बैंक यानी आपके अपने पेरेंट्स के अलावा भी आप किसी और के पास जाओगे किसी और के पास मतलब आपके खुद के सिमिलर ऐसे तैयारी करने वाले आपके दोस्तों के पास तो यहाँ पर आपकी जगह रख लो बैंक और आपके पेरेंट्स की जगह रख लो आरबीआई कई कई बार बार बैंक भी बैंक्स सारा सारा दे एक अमाउंट एक से ज्यादा वो रेपो रेट पे पैसा पे पे नहीं दे सकते ज्यादा वो पैसा बैंक रेट पे नहीं दे सकते तो ऐसे में क्या बैंक खाली बैठे रहेंगे क्या बैंकों को पैसे क्या सारी रिक्वायरमेंट आरबीआई से फुलफिल नहीं हुई तो ऐसे में जैसे आप किसके पास गए थे अभी इस एग्जाम्पल में आप गए थे अपने किसी दोस्त के पास तो बैंक भी किसके पास जाएगा अपने किसी सिमिलर दोस्त के पास यानी बैंक वन किसके पास पास जाएगा किसी दूसरे बैंक के फॉर को अब तक पैसे की जरूरत पड़ी एस ने रेपो रेट पे पैसा पे पे ले लिया बैंक से आरबीआई से एस ने बैंक रेट पे पैसा पे पे ले लिया लॉन्ग टर्म के लिए आरबीआई से फिर भी जो लिक्विडिटी है वो अभी भी लो बनी हुई है अभी भी और जरूरत है और जरूरत ज्यादा बड़ी नहीं है एक दिन दो दिन के लिए मांगने वाले ज्यादा आगे लोन ज्यादा लोन नहीं आ रहे हैं आपके विड्रॉल ज्यादा हो रहे हैं पैसा विड्रॉल ज्यादा हो रहा है एस बोलता है दो दिन के लिए पैसा चाहिए तीन दिन के लिए पैसा चाहिए आर बोलता है हमने तो जितना बनता था आपका उतना दे दिया रेपो पे भी दे दिया बैंक रेट पे भी दे दिया इससे ज्यादा नहीं मिलेगा तो क्या एस के ताले लगा दे तो नहीं जैसे आप गए अपने दोस्त के पास उसी तरीके से एस भी जाएगा अपने किसी दूसरे दोस्त बैंक के पास फॉर एग्जांपल एसबीआई गया एचडीएफसी के पास थोड़ा बहुत पैसा उधार दे दो एचडीएफसी से बोलेगा थोड़ा बहुत पैसा इधर ट्रांसफर कर दो और एचडीएफसी बोलेगा आपको कौन दे रहे हैं एसबीआई बोलेगा हां अरे प्री मेथड ही ले रहे हैं हम तो आपको इंटरेस्ट पेमेंट कर देंगे यहाँ पर आपको इंटरेस्ट पे कर देंगे जब कोई बैंक जब कोई एक बैंक किसी दूसरे बैंक से लोन लेता है तो उस पैसे को बोलते हैं कोल मनी और जिस इंटरेस्ट रेट पे वो लोन लेता है उसको बोलते हैं कोल मनी रेट जैसे रेपो रेट फिक्स है साढ़े छ परसेंट यहां पर एक क्वेश्चन बनता है क्या कोल मनी रेट भी फिक्स होगी और ये पूरा मार्केट क्या कहलाएगा? कॉल कोल मनी मार्केट तो कंसेप्ट है कोल मनी मार्केट कोल मनी मार्केट क्या हो गया इस मार्केट में एक बैंक अपनी फाइनेंशियल लिक्विडिटी को फुलफिल करने के लिए दूसरे बैंक की मदद ले सकता है उससे लोन ले सकता है जिस रेट पे लोन लेता है उसको बोलते हैं कोल मनी रेट और ये पूरा मार्केट सिस्टम कहलाता है कोल मनी मार्केट ठीक है कई बार लोग कोल मनी मार्केट को शेयर मार्केट से जोड़ते हैं लेकिन ऐसा नहीं है अब एच डी एफ सी ने एस बी आई को लोन दिया तो जिस इंटरेस्ट पे पे वो लेन दिया उसको कोल मनी रेट बोला जैसे रेपो रेट फिक्स है रेपो रेट अब यहां पर बेसिक डिफरेंस समझो आप रेपो रेट और रेपो रेट में और कोल मनी रेट में क्या डिफरेंस आया कोल रेट भी इसको बोलते हैं कोल रेट या कोल मनी रेट रेपो रेट में जो डिसाइड हो रही थी वो हो रही थी जब आरबीआई पैसा दे रहा था किसी बैंक को कोल मनी रेट में एक बैंक दूसरे बैंक को पैसा दे रहा है रेपो रेट फिक्सड होती है जबकि कोल मनी रेट वेरिएबल होती है वेरिएबल का मतलब हो गया जब एस बी से पैसा लेगा तो वो सात परसेंट पे ले सकता है जब कल को एसडीएफसी दोबारा एस से पैसा लेगा रिवर्स होगा तो वो जरूरी नहीं है कि सात परसेंट यानी फिक्स नहीं है उसमें देखा जाता है बैंक की कितनी क्रेडिबिलिटी है बैंक को कितने दिन के लिए चाह रहा है जनरली ये लोन होता है एक या दो दिन के लिए होता है बैंक को ओवरनाइट लोन चाहिए सात दिन के लिए चाहिए तीन दिन के लिए चाहिए ठीक है तो कॉल मनी रेट फिक्स नहीं है वो देखा जाता है जैसे आप बोलते हैं ना कई बार सिचुएशन देख के आप अलग अलग लोगों से अलग अलग लोग से आप पैसा उधार लोगे मार्केट में तो वो कोई फिक्स थोड़ी है आप बैंक से पैसा लोगे तो वो फिक्स है इंटरेस्ट पेमेंट उसी द, लेकिन आप बाजार में पैसा लेने जाओगे तो कोई आपको दो परसेंट पर देगा कोई तीन परसेंट पर देगा तो ऐसे ही कोल मनी रेट भी वेरिएबल है तो ये फिक्स नहीं है ये दोनों बैंक दोनों बैंक कौन जो पैसा ले रहा है और जो पैसा दे रहा है वो दोनों बैंक मिलकर आपस में डिसाइड कर लेते हैं तो रेपो रेट और कोल मनी रेट में क्या डिफरेंस आया रेपो रेट और कोल मनी रेट को कंपेयर करें तो रेपो रेट का रिलेशन होता है जब बैंक लोन लेते हैं से लेकिन कल मनी मार्केट में जो लोन का ट्रांसफर होता है वो एक बैंक से दूसरे बैंक में होता है एक बैंक जिसकी जिसको फाइनेंशियल लिक्विडिटी कमजोर होती जा रही है जिसको कैश की जरूरत है पैसे की जरूरत है लिक्विडिटी की जरूरत है वो किसी दूसरे बैंक से लोन ले लेता है वो लोन किस रेट पे लिया जाएगा वो दोनों बैंक आपस में डिसाइड कर लेते हैं यानी ये फिक्सड नहीं है जो भी दो बैंक इसमें इंगेज हैं वो आपस में डिसाइड कर लेंगे लेकिन रेपो रेट फिक्स होती है फॉर एग्जाम्पल ट्वेंटी में ये कितने हैं साढ़े तो यहां पर हमने कोल मनी मार्केट को रेपो रेट से कंपेयर करके पढ़ा इसमें आगे भी कई सारी चीजें हैं जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे थैंक यू वेरी मच